नजर लगने पर विश्वास न करना एक अलग बात है, लेकिन आपने अपनी दादी नानी से जरूर सुना होगा कि नजर उतारने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। नजर उतारने के लिए कई बार 2 रुपए लगते हैं तो कई बार 101 रुपए। लेकिन आपको बता दें कुछ ऐसी ही खास बातें जिससे आप बच्चे की नजर उतार सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे रो रहे होते हैं और रोना बंद ही नहीं करते या फिर खाना पीना छोड़ देते हैं। ऐसे में 2 सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा सेंधा नमक और कुछ सरसों के दाने लेकर बच्चे के ऊपर से 3 बार घुमाएं और इसके बाद इसे चूल्हे पर जला दें। जलने पर धुआं उठने लगे तो थोड़ी देर में ही नजर का बुरा असर समाप्त हो जाता है। दूसरा तरीका है कि एक रुई की बाती लें, उसे सरसों के तेल में डुबो दें। इसके बाद इसे बच्चे के ऊपर से 3 बार घुमा दें और फिर बिना टोके उसे जला दें। जब वो बाती पूर्ण रूप से जल जाएगी बच्चे की बुरी नजर उतर जाएगी। इसी तरह दोस्तों अगर आपके बिजनेस को या आपके काम को नजर लग जाए तो शनिवार के दिन एक हरे नींबू को ऑफिस की चारों दीवारों से स्पर्श कराएं और इसके बाद इस नींबू के 4 टुकड़े करें और चारों दिशाओं में फेंक दें। इससे आपके व्यापार पर लगी हुई बुरी नजर जल्दी उतर जाएगी। अगर आपके काम को नजर लगी है तो इस केस में आप एक और चीज कर सकते हैं। लोहे की 4 कीले लें और उसके बाद अपने जहां पर आपका बिजनेस है या जहां पर आपकी दुकान है यहां पर चारों कोने में इसको ठोक दें। ऐसा करने से व्यापार में बुरी नजर लगी है तो वो तुरंत उतर जाएगी। अगर आपके घर पर किसी की बुरी नजर लग गई हो तो शुक्रवार के दिन अशोक के पत्तों का बंधनवार बना लें और घर के मुख्य दरवाजे पर इसे टांग दें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा संचार होता है और बुरी नजर तुरंत समाप्त हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों शनिवार के दिन काले घोड़े की नाल को सरसों के तेल में भिगोकर शनिदेव के मंत्र का उच्चारण करें और इसकी पूजा कर लें। इसके बाद इसे घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दें। इससे आपके घर पे अगर बुरी नजर लगी है तो उतर जाएगी और आगे से कभी किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। दोस्तों बच्चे बड़े कोमल स्वभाव के होते हैं इसीलिए उन्हें जल्दी नजर लगती है। आप उनकी नजर मीठी चीजों से भी उतार सकते हैं। पानी, दूध, फूल, शक्कर से भी बच्चों की नजर उतार सकते हैं। भगवान के मंदिर में रखे पानी के कलश से 7 बार उल्टे क्रम से नजर उतारें और किसी भी पौधे पर वो पानी चढ़ा दें। इस तरह भगवान पर चढ़े हुए फूल से भी बच्चे की नजर उतार सकते हैं। शक्कर से नजर उतारने के लिए आप दोनों मुट्ठियों में शक्कर भरें और बच्चे के सिर से दोनों हाथ अपनी दिशा में घुमाएं। 11 बार ऐसा करें। मुट्ठियों को वॉश बेसिन में तेज धार के नल में धो दें। नजर भी बह जाएगी। दोस्तों आप भले ही इसे अंधविश्वास कहें या फिर टोटका, मगर बुरी नजर से बचने के लिए हमेशा ही नजर बट्टू की शरण ली जाती है। बुरी नजर से बचने के वैसे तो कई उपाय बताए हमने आपको, लेकिन आपको बता दें नींबू मिर्ची का टोटका सबसे ज्यादा प्रचलित है और ये सबसे ज्यादा प्रभावी माना जाता है। नींबू और हरी मिर्च से बना नजर बट्टू अधिकांश दुकानों के बाहर टांगा देख सकते हैं आप, और लोगों के लिए इसके प्रति गहरी आस्था भी है। नजर बट्टू बनाने के लिए आप काला धागा लें और सुई की सहायता से धागे को एक नींबू और उसके साथ 5 या 7 हरी मिर्च को पिरो दें, फिर इसे अपनी दुकान के बाहर टांग दें। ऐसा माना जाता है कि नींबू और हरी मिर्च को दुकान के बाहर टांगने से बुरी नजर नहीं पड़ती है और दुकानदारी पर कोई असर नहीं पड़ता। मॉडर्न और पढ़े लिखे लोग इस बात को नहीं मानते, लेकिन आपको बता दें नजर बट्टू बेहतरीन तरीका है नजर से बचने के लिए। बाजार हो, महंगे शॉपिंग मॉल्स हो या फिर कोई नई गाड़ी हो, आपने देखा ही होगा कि नींबू मिर्ची वहां लटकी होती है। ऐसा माना जाता है कि हरी मिर्च और नींबू लटकाने से कारोबार को बुरी नजर नहीं लगती। तो दोस्तों ये तो थे कुछ छोटे मोटे उपाय जिससे आप आसानी से नजर उतार सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। जुड़े रहें चमत्कारी टोटके के साथ।